औरंगाबाद में आज मतगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें काउंटिंग से जुड़े तमाम अधिकारी शामिल हुए। जिला पदाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि सभी संबंधित मतगणना कर्मियों को आज काउंटिंग की प्रक्रिया की अंतिम जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की इस बार स्कैनिंग की जानी है, ऐसे में मतगणना कर्मियों को स्कैनिंग की प्रायोगिक जानकारी भी दी गई है, ताकि मतगणना की गति धीमी न पड़े। उन्होंने बताया कि मतगणना से जुड़ी तमाम तैयारियों की आज अंतिम समीक्षा भी की गई, ताकि शेष बचे कार्यों को समय रहते निपटाया जा सके। औरंगाबाद लोकसभा की मतगणना 23 मई को सुबह 8 बजे सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद शहर में शुरू होगी। 6 अलग अलग विधानसभा की काउंटिंग होगी और एक सातवां होगा पोस्टल बैलेट और ETPBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हो। आरओ यानी हमारे चैम्बर के बगल में सिन्हा कॉलेज में, जैसे आप प्रवेश करेंगे तो बाई और आरओ चैम्बर बन रहा है, वहीं बगल में हम लोग 30 टेबल लगाएंगे कम से कम। इसमें हमारे पास स्कैनर होगा और वो मशीन से डाउनलोड किया हुआ, कंप्यूटर से डाउनलोड किया हुआ पोस्टल बैलेट वगैरह रहता है, उसको स्कैन करेंगे। इसमें 4 से 5 घंटे लगने की संभावना है, अगर 2500 से ज़्यादा जो आ रहे हैं ETPBS, जो हमारा अंदाज है, उसकी स्कैनिंग होती है। हाँ, प्रशिक्षण दिए हैं सभी को और फिर आज फाइनल तैयारी की बैठक कर रहे हैं कि कहाँ पे सुपरवाइजर कितने लग रहे हैं, कितनी मशीन आई है, कंप्यूटर कितने लग रहे हैं और काउंटिंग शाम कितने बजे तक व्यवस्थित रूप से खत्म हो सकती है। इसके लिए बैठक चल रही है, ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। BSNL की लाइन के अलावा हम एक एक्स्ट्रा लाइन ले रहे हैं ताकि हमारा नेट फेल नहीं हो और इन सब तैयारियों को देखते हुए 10 घंटे में काम सम्पन्न हो। तैयारी हमारी चल रही है।